This game involves an element of financial risk and may be addicted. Please play responsibly and at your own risk. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरे चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन जिसका नाम है चॉइस 11 की। चॉइस 11 पे एक वीडियोस पहले ही अवेलेबल है जिसपे मैंने आपको सिखाया था इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, साइनअप कैसे करते हैं और प्ले कैसे करते हैं। सो अब आप लोग प्ले कर चुके हो, अर्निंग कर चुके हो, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें अकाउंट कैसे केवाईसी करते हैं, क्योंकि जब तक आप केवाईसी नहीं करोगे तब तक आपको विड्रॉवल नहीं मिलेगा। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू केवाईसी इन चॉइस 11। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसपे मैं आपको बताऊंगा लाइव विड्रॉवल करके कि चॉइस 11 में विड्रॉवल कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिडिक्शन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चॉइस 11 पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के साथ हमारा रेफर कोड भी होगा जो कि है PGR। इसका अगर आप यूज़ करके ज्वाइन करते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में करीबन 500 रुपया का बोनस मिलेगा जिसका यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हो। चॉइस 11 में आप लोगों को मिलता है हेड टू हेड 0% ट्रैफिक फी, यानी कि अगर आप हेड टू हेड प्ले करते हो तो आपको 1 रुपया भी ट्रैफिक के रूप में नहीं देना पड़ता है, कॉन्टेस्ट फी के रूप में नहीं देना पड़ता है। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसी डिस्प्ले दिखाई देगी। सिंपली एप्लीकेशन को रजिस्टर करना, ओपन कर लेना। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ और चूंकि मैंने अपने मेल से अटैच किया हुआ है सो बस मैंने मेल पे गूगल पे ऑनली क्लिक किया। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखोगे कि पेज खुल चुका है। अब दोस्तों देखोगे तो सबसे ऊपर में जो मैंने आपको कहा था बात 0% कमीशन वाली, वो सबसे ऊपर में है, आप देख सकते हो। देन बात करते हैं विड्रॉवल की। सो माफी चाहूँगा केवाईसी की। केवाईसी के बाद जो वीडियो आएगी वो होगी विड्रॉवल की। सो हाउ टू वेरीफाई, तो देन यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो आपको वॉलेट में नीचे है, यहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप ऊपर में वॉलेट का एक ऑप्शन है, इस वॉलेट पे आप क्लिक करोगे यहाँ से भी आप वेरीफाई पेज पे पहुँच सकते हो। देन अगेन अनदर एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। आप कहीं से भी जाइए, बस आपको आपका अकाउंट वेरीफाई केवाईसी कंप्लीट करना है। सो मैं वॉलेट पे जाता हूँ वेरीफाई अकाउंट। अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ विनिंग है, क्योंकि आप विनिंग करोगे तभी केवाईसी करो, उस विदाउट विनिंग केवाईसी करके क्या फ़ायदा, किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे अपना डॉक्यूमेंट देके क्या फ़ायदा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवाईसी के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे बिल्कुल ही सेफ है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम ही खुद वेरीफाई हो जाता है। अगर वेरीफाई नहीं होता है खुद तो आप क्या करो, ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, लिंक पे क्लिक करो या फिर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को डाल दो ईमेल आईडी वेरीफाई। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हो जाती है इसका, ये तो कन्फर्म हो जाएगी, तो इसको आप हटा के चलो। पैन कार्ड, दोस्तों पैन कार्ड यहाँ पे देखोगे तो मेरा यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई है। बैंक डिटेल्स मैंने अभी तक किया नहीं है। सो दोस्तों पैन कार्ड डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स में कुछ ऐसा करना होगा, पहले तो सबसे ऊपर में आपको पैन कार्ड का जो फ्रंट का होता है जहाँ पे आपका फेस होगा उसका एक फ़ोटो क्लिक करना है, उसका फोटो अपडेट कर देना। देन उसके बाद नीचे में आपके पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो नाम डाल देना, उसके नीचे में आपके पैन कार्ड पे जो नंबर होगा वो नंबर डाल देना। देन उसके एक और नीचे में एक और बार नंबर डाल देना, आपके पैन कार्ड का नंबर जो 10 वर्ड का होता है वो एक यूनिक नंबर होता है। देन इतना डालने के बाद हो गई, उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, फोटो अपलोड करना जरूरी है। अब पैन कार्ड डालने के बाद आप ये आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, देन आप अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो। बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है वो देख लो, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपडेट करना है। अब दोस्तों फोटो अपडेट का अगर बात आई है तो पहला बात तो ये कि आपके दिमाग में आएगा कि क्या किसी एप्लीकेशन पे अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट देना सही है, तो जी आप दे सकते हो, बिल्कुल ही ट्रस्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज एप्लीकेशन सब है, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको तो पता ही है इस सब एप्लीकेशन के बहुत बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर सब भी रहते हैं। देन अब यहाँ पे आपको क्या क्या अपडेट करना है, क्योंकि पैन कार्ड वाले ऑप्शन में आपको एक ऑनली पैन कार्ड ही अपडेट करना था, बट अगर बैंक वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ में से कोई एक चीज़ अपडेट आप कर सकते हो। पहला है वैलिड डॉक्यूमेंट इंक्लूड पासबुक, आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट डालना है जिसपे आपको आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड और आपका नाम, ये तीनों विजिबल हो, जो तीनों दिखे वही चीज़ आप डाल सकते हो। तो ये तीनों चीज़ कहाँ कहाँ होती है आप इसको छोड़ दो, मैं ऐसे बताता हूँ, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ होगी आप वो सब जगह पर डाल सकते हो। सबसे पहला आता है आपका चेकबुक, चेकबुक में आपका नाम होगा,
ईमेल आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, एफसी कोड होगा, तो आप वो वाला उसका एक फ़ोटो क्लिक करके कोई भी चेकबुक का या फिर चेक का कोई भी चेक का एक फ़ोटो क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो। अब बोलोगे कि मुझे चेक का फ़ोटो नहीं डालना है, तो ठीक है पासबुक होगा, अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो पासबुक होगा ही होगा, ओके सेविंग अकाउंट है तो पासबुक होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको आपके पासबुक का फ्रंट पेज जो होता है उस फ्रंट पेज का एक जिसमें आपका फ़ोटो हो, ओके ऊपर में फ़ोटो होगा और नीचे वाले में आपका बाकी का इन्फॉर्मेशन होगा, उस दोनों पेज को एक साथ फ़ोटो क्लिक कर लो एक बार और उसको क्रॉप करके लगा दो, वो भी वेरीफाई ले लेगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब बात की जाए थर्ड की, तो थर्ड मेरे हिसाब से कुछ है नहीं बस, बट थर्ड अगर एक ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ, अगर आप पेटीएम बैंक डालना चाहते हो या फिर, तो पेटीएम बैंक के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप अपना जो अमाउंट वाला जो आपका जो पेज होता है जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और आपका अमाउंट्स होता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हो, उससे भी आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद वो सबसे ऊपर में अकाउंट होल्डर नेम, उसके नीचे में अकाउंट नंबर, देन फिर से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम, ये सब आपको एकदम अच्छे से डाल देना है दोस्तों। ये सब क्या होगा कि आप अच्छे से जब डाल दोगे तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा 24 आवर के अंदर, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में विड्रॉवल ले सकते हो। सो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा विड्रॉवल प्रूफ की, तो जैसे ही विड्रॉवल प्रूफ की वीडियो बनाता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। वैसे एप्लीकेशन में आप खेल सकते हो, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, पप्पा थैंक्स फॉर, आई लव यू ऑल।